हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मैनाक और आप सब देख रहे हैं सपनों के घर का और एक फ्रेश एपिसोड। आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एक 1220 स्क्वायर फीट का वेस्ट फेसिंग बिल्डिंग प्लान के बारे में और हम आपको देंगे वास्तु टिप भी। तो सबसे पहले इस बिल्डिंग का डायरेक्शन देख लेते हैं, प्लॉट का डायरेक्शन देख लेते हैं। तो प्लॉट का डायरेक्शन आपका यहाँ पर वेस्ट फेसिंग है और बाकी सब आपका साइड में यहाँ पर आपके दूसरे प्लॉट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपको अगर ऐसा कोई प्लॉट मिले इस प्लॉट की तरह जिसमें आपका साउथ ईस्ट कटा हुआ है तो ये प्लॉट बिल्कुल मत लीजिए, वास्तु के हिसाब से सही नहीं होता है। साउथ ईस्ट कटा होने से आपके जो घर की औरतें हैं, जो लेडीज़ हैं, उनके ऊपर, उनके हेल्थ के ऊपर ख़राब आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है एंड मनी रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये बात तो हो गया, उसके बाद हम लोग इस प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे क्या क्या कंपोनेंट्स हमने अरेंज किया एज पर वास्तु। तो आपका यहाँ पे जो प्लॉट का साइज़ है इसमें चारों तरफ से यहाँ पे ऑफसेट यानी कि डिस्टेंस छोड़ा गया है 1.5 फीट करके, लगभग यहाँ पे चारों साइड में यहाँ पे छोड़ा गया है बाउंड्री वॉल से। उसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे जो हमारा एंट्रेंस है, एंट्रेंस आपका यहाँ पे आपका दो साइड से आपका एंट्रेंस है। एक तो आपका यहाँ पे आपका वेस्ट फेसिंग है एंट्रेंस आपका डायरेक्टली, जो आपका यहाँ पे पोर्टिको यानी कि पार्किंग के बाहर लिविंग रूम में जाता है, और एक आपका स्टेयर केस के थ्रू भी यहाँ पे एंट्रेंस है। यानी कि स्टेयर केस ऐसे बनाया गया है कि आपका यहाँ पे रेंट पर्पज़ के लिए भी दिया जा सकता है, ग्राउंड फ्लोर उसका फर्स्ट फ्लोर सेपरेटली भी आपका दिया जा सकता है। तो यहाँ पे पोर्टिको का साइज़ 12 फीट × 14 फीट 10 इंच है। यहाँ पे 2 4 व्हीलर आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो या तो आप कुछ 2 व्हीलर्स भी यहाँ पे आप रख सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पे जो लोग ऊपर जाएंगे वो स्टेयर केस से इधर ऊपर चले जाएंगे एंड यहाँ पे नीचे के लिए यहाँ पे वेस्ट फेसिंग का यहाँ पे एंट्री है लिविंग रूम में। तो लिविंग रूम का साइज़ 12 फीट × 10 फीट है एंड आपका लिविंग रूम का जो पोजीशन है आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में आपका आपका पार्किंग का पोजीशन है, जो कि अच्छा होता है बिकॉज नॉर्थ वेस्ट आपका एयर इलेवेंट का पोजीशन है। तो कार भी आपको मूवमेंट सिम्बलाइज करता है, आपका एयर इलेवेंट भी मूवमेंट सिम्बलाइज करता है, तो नॉर्थ वेस्ट पार्किंग के लिए सही है। उसके बाद आपका लिविंग एरिया एंड उसके बाद आपका ईशान कोण में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में आपका पूजा एरिया लगभग 7 × 8 फीट का, 6 फीट 8 इंच × 8 फीट का आपका यहाँ पे पूजा रूम आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे बेडरूम 12 फीट × 11 फीट का। उसके बाद आपका साउथ ईस्ट में यानी कि अग्नि कोण में आपका यहाँ पे किचन हो जाएगा 12 फीट 10 इंच × 6 फीट 6 इंच का। तो किचन का साइज़ जो है काफ़ी ठीक है, उसमें सारे कंपोनेंट्स आपके आराम से अरेंज हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो यहाँ पे साउथ साइड है, साउथ साइड में आपका यहाँ पे टॉयलेट्स, दोनों टॉयलेट्स यहाँ पे एक साथ होंगे। तो और एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि साउथ साइड में यहाँ पे प्लम्बिंग का तीनों चीज़ें जो हैं, जो कि पाइप्स निकलेंगी, तीनों चीज़ें एक साथ है तो एक साथ होने से वो फ़ायदा है। बट वास्तु के हिसाब से टॉयलेट आपका किचन के बगल में नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे हम लोगों ने रखा है बिकॉज और कोई यहाँ पे अल्टरनेट अरेंजमेंट होने से अच्छा स्पेस यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था। अगर ऐसा किसी केस में आपको रखना पड़े किचन के बगल में टॉयलेट, तो ये जो पोर्शन है जहाँ जो वॉल है आपका किचन और टॉयलेट का जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे आप 10 इंच वॉल रखिए 5 इंच वॉल की जगह, तो ज़्यादा आपको मतलब प्रोटेक्शन मिलेगा और आपको जो वॉल है उसमें सीटन वगैरह पड़ने का चांसेस कम है। उसके बाद आपका साउथ वेस्ट में आपका यहाँ पे मास्टर बेडरूम है 12 फीट × 14 फीट 5 इंचज़ का, यहाँ पे मास्टर बेडरूम है आपका साउथ वेस्ट में। मास्टर बेडरूम के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा टॉयलेट। तो ये रहा आपका अरेंजमेंट आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान का। मास्टर बेडरूम का मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि साउथ वेस्ट में होना अच्छा है, धैर्य लक्ष्मी का स्थान है, जो डिसीजन जो वहाँ पे रहते हैं उन लोगों को डिसीजन लेने में माइंड सुविधा होता है बिकॉज माइंड स्टेबल रहता है साउथ वेस्ट में। उसके बाद हम लोग फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर में भी सेम प्लान है आपका, बट जो फर्स्ट फ्लोर का जो प्लॉट लेगा उसके लिए एक एडिशनल ड्राइंग रूम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप चाहेंगे तो इस रूम को ड्राइंग रूम छोड़ के आप यहाँ पे दूसरा कुछ स्टडी रूम वगैरह भी कर सकते हैं, तो और यहाँ पे या तो यहाँ पे बेडरूम भी कर सकते हैं एंड इस जगह पे एक डोर देके आप इसको एंट्रेंस कर सकते हैं। तो ये एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का प्लान आपका 1200 स्क्वायर फीट का वेस्ट फेसिंग। तो ये प्लान कैसा लगा आपको हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइए एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि हम आपके लिए रोज़ लेके आ सके नए नए वीडियोस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बाय।